हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो शोले मूवी का जो माउथ ऑर्गन का जो ट्यून पार्ट है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत फेमस ट्यून है, माउथ ऑर्गन का स्पेशल ट्यून है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और ज़रूर करें। तो पूरा इसको सीखने के लिए आप इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर सारे गधा। तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें हमें सारे गधा बजाना है स्टार्टिंग में। तो जो सा है वो 9th फ्रेट पे है, रे 10th फ्रेट पर है। हमें अंदर की तरफ ब्रीथ करना है रे में। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो देखिए नोटेशन है सारे गधा, तो सा में बाहर ब्रीथ, रे में अंदर, ग में देन अगेन आउट। उसके बाद हमें 14th फ्रेट पर जाना है। जो 14th फ्रेट है वहाँ हमारा धा बजेगा और हमें इन ब्रीथ करना है। तो सा जो है 9th फ्रेट पर, रे जो है वो 10th फ्रेट पर है, और ग जो है वो हमारा 11th फ्रेट पर है। उसके बाद जो ध है वो हमारा 14th फ्रेट पर है। तो आप देखिए सारे ग ध, सा में बाहर, रे में अंदर, ग में फिर बाहर, देन ध में हमें अंदर ब्रीथ लेना है। उसके बाद है आप देख रहे हैं गा धा ग। तो जो ग है वो 11th फ्रेट पे है, हमें बाहर ब्रीथ करना है। ध जो है वो 14th फ्रेट पर है, हमें अंदर की तरफ ब्रीथ करना है, इन ब्रीथ करना है अगेन, देन ग फिर हमें बाहर की तरफ ब्रीथ करना है 11th फ्रेट पे। तो कैसे देखिए, गधा ग, ग बाहर ध अंदर, देन ग बाहर। तो ये पूरा लाइन कैसे बजेगा? जो गधा ग है वो थोड़ा जल्दी आएगा, सारे गधा गधा ग। तो इसके बाद हम लोग इसकी सेकंड लाइन पे चलते हैं। सेकंड लाइन बिल्कुल सेम है, सेकंड लाइन के अंदर हमें सेम है, बस लास्ट में जो गा है उसकी जगह रे आएगा, बस बाकी सेम है, लाइन बिल्कुल सेम है। तो लास्ट लाइन कैसे बजेगा? सारे गा, सॉरी सेकंड लाइन कैसे बजेगा? सारे गधा गधा रे। जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट का बस हमें गा हम लोगों को चेंज कर देना है। तो कैसे? सामने बाहर, गधा रे, फर्स्ट लाइन की तरह है बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार सेकंड लाइन का ब्रीथ बता देता हूँ। सा सेम बिल्कुल फर्स्ट की तरह, बाहर रे अंदर, ग देन बाहर, उसके बाद ध 14th फ्रेट पे अंदर, गधा गा गा फिर 11th फ्रेट पे बाहर की तरफ हम लोगों को ब्रीथ करना है, रे 10th फ्रेट पर है हमें अंदर ब्रीथ करना है। तो ये दोनों लाइनें कैसे, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। अब हम इसकी थर्ड लाइन करते हैं। थर्ड लाइन आप देख रहे हैं हम लोगों को म ग रे सा नी बजाना है। तो म जो है वो आपका 12th फ्रेट से हमें शुरू करना है, अंदर की तरफ ब्रीथ लेना है। उसके बाद ग हम लोगों का 11th फ्रेट पे है, बाहर ब्रीथ करना है। रे जो है वो हम लोगों का 10th फ्रेट पे, हमें अंदर ब्रीथ करना है। उसके बाद सा, सा जो है 9th फ्रेट पर है, हम लोगों को बाहर की तरफ ब्रीथ करना है। उसके बाद रे अगेन हम लोगों का जो है वो 10th फ्रेट पे, अंदर ब्रीथ करना है। सा उसके बाद 9th फ्रेट पर बाहर। अब ये जो नी कौन सा है जिसके नीचे डॉट लगा हुआ है, ये लोअर ऑक्टेव का नोट है नी। यानी कि जो सा है, सा से पहले वाला जो, यानी कि हम लोगों को 8th फ्रेट पे अंदर की तरफ ब्रीथ करना है।
अगर हम सा से आगे, सा से जो सा जो नोट है, सा से पहले वाला जो नोट है, सा जो है हमारा 9th फ्रेट पे है, तो 8th फ्रेट पर ये नी बजेगा हम लोगों को अंदर ब्रीथ करना है। तो ये लाइन कैसे बना? तो ये आपको समझ में आया। अब हम इसकी 4th लाइन देखते हैं। 4th लाइन में हम लोगों को जो नी है लोअर ऑक्टेव का, जो जिसके नीचे डॉट लगा हुआ है, उस नी से हम लोगों को 16th फ्रेट पे जाना है, मिडल ऑक्टेव के नी पर। ध्यान रखना, जो हमने सारे गामा पा धा नी किया था, तो जो 8th फ्रेट है जो हम लोग नी बजा रहे हैं, जिसके नीचे डॉट है, उस नी से हम लोगों को मिडल ऑक्टेव के नी पे जाना है। यानी कि 8वें खाने से हम लोगों को 16th फ्रेट 16वें खाने पर जाना है। कैसे? फिर से देखिए। उसके बाद है प नी, नी के बाद मतलब लोअर ऑक्टेव के नी के बाद हमें मिडल ऑक्टेव के नी पे जाना है, उसके बाद हमें प बजाना है। तो कैसे? देन प 13th फ्रेट पे, देन ध 14th फ्रेट पे अंदर ब्रीथ लेना है, उसके बाद म 12th फ्रेट पे, उसके बाद ग आप लोगों को बजाना है 11th फ्रेट पे। तो ये कैसे बजेगा देखिए। तो फ्रेंड्स ये इसकी 4th लाइन है। पूरी ये टोन मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, बहुत मीठी ट्यून है, बहुत अच्छी ट्यून है। तो मैं आपको ये चारों लाइन बजा के दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। थोड़ा सा आप हैंड्स को ब्लिंक कर सकते हैं, हैंड्स को हम लोग एयर, ताकि हॉलिंग हो, साउंड इको हो साउंड को, तो हम लोग इसको हैंड मूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये टोन किया, आप इसको ट्यून को प्रैक्टिस करिए और बजाइए, बहुत अच्छी ट्यून है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बजाइए, वेरी गुड, बाय बाय, थैंक यू।